2021 फोर्स गोरखा का कंपनी ने किया जारी टीजर। महिंद्रा थार को मिलने वाली है मार्केट में कड़ी टक्कर। तो फोर्स मोटर ने जल्दी अपनी प्रतिस्थिति फॉक रोड एससीवी गोरखा को एक नए अवतार के साथ भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। इसकी लॉन्चिंग पर चर्चा अब तेजी से मार्केट के लिए चलती आ रही है, क्योंकि कंपनी ने गोरखा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नया टीजर जारी कर दिया है, जो कि इस वीडियो के दौरान आप इस जबरदस्त एससीवी कार को मार्केट में देख पा रहे हैं। माना जा रहा है कि फोर्स मोटर्स ने द्वारा नई गोरखा को 3 डोर तथा 5 डोर वर्जन ऑप्शन के साथ भारत में लॉन्च करने का फैसला लिया है, जो कि मार्केट में सबसे पहले महिंद्रा थार को टक्कर देने वाली है। साथ ही साथ दूसरी पोजीशन पे सुजुकी की जिमनी भी कड़ी टक्कर इस कार को लेने वाली है। डिजाइन में मिलने वाले हैं आप सभी को बड़े बदलाव। 2021 गोरखा में एलईडी डीआरएल्स के साथ आप सभी को हेडलैम्प्स का एक नया सेटअप कार के अंदर देखने को मिलता है। वही नई लुक से लेस ग्रिल और फ्रंट बम्पर को काफी अग्रेसिव डिजाइन भी दिया गया है। इस कार के फ्रंट में आप सभी को फेदर के रूप में टर्न इंडिकेटर तथा नए डिजाइन किए गए टेल लैंप्स का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। नई डिजाइन किए गए व्हील और टेक्नोलॉजी द्वारा अपडेट टेक्शन माउंटेड सिस्टम द्वारा को अपडेट किया गया है तथा डिजाइन अपडेट ऑप्शन के साथ डुअल टोन कलर ऑप्शन से ये कार लेस की गई है। आपको याद होगा कि इस कार को सबसे पहले 2020 ऑटो एक्सपो के दौरान हम सभी के लिए प्रदर्शित किया गया था। वही मॉडल हमेशा की तरह ही उबड़ खाबड़ सड़कों पर क्षमता रख पाने में क्षमता रखता था। फिलहाल ये देखना अब मुश्किल हो गया कि इसका प्रोडक्शन मॉडल हम सभी के लिए ऑटो एक्सपो में मौजूद मॉडल से कितना अलग भारत के लिए होने वाला है। इंजन तथा पावर की बात करें तो मार्केट में आने वाली 2021 फोर्स गोरखा अपने सेगमेंट में काफी जबरदस्त इंजन ऑप्शन के साथ भारत में लाई जा रही है। जी हाँ, इस कार में आप सभी को 2.6 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि भारत पर अधिकतम आप सभी को 89 PSP की मैक्सिमम पावर के साथ 260 NM का पिकअप टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखता है। भारतीय बाजार में फोर्स गोरखा 2021 मॉडल के अंदर आप सभी को 5 स्पीड AMT यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है, जो कि वाकई में ही काफी अच्छी बात है। मिलेंगे जबरदस्त धासु फीचर्स। तो नई फोर्स गोरखा की खास बात मार्केट के लिए ये होने वाली है कि इसे डुअल टोन के साथ मार्केट में पेश किया जाएगा, यानी ये कार डुअल टोन कलर ऑप्शंस के साथ भारत में तहलका मचाने को पूर्ण रूप से हो चुकी है तैयार। साथ ही इसमें लगा बड़ा लगेज ऑप्शन भी आप सभी को दिखाई देता है, जो कि इस जबरदस्त कार में एक आकर्षक लुक प्रदान करता है। इंटीरियर की बात करें तो इसमें नए डैशबोर्ड के साथ ही नए टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंपनी ने इस्तेमाल किया है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो तथा एप्पल कारप्ले सपोर्ट नेविगेशन सिस्टम द्वारा संचालित किया गया है। इसमें रिमोट डोर लॉकिंग के साथ आप सभी को फ्रंट पावर विंडो तथा इस कार की सीटों को काफी अच्छे लेदर फैब्रिक द्वारा अपडेट करके रीडिजाइन किया गया है। फोर्स गोरखा नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट के अंदर आप सभी को ऑटोमेटिक एसी वेंट्स के साथ 2.0 पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन को मुहैया करवाया गया है। इस कार के अंदर आप सभी को 12 वाट की फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिलती है, जो कि आपके मोबाइल फोन को काफी जल्द से जल्द चार्ज कर सकती है। साथ ही साथ गोरखा के अंदर JBL सिस्टम ऑप्शन का प्रयोग किया है, जो कि आपकी राइड को पूर्ण रूप से काफी जबरदस्त एंजॉय देने वाले हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो मार्केट में आने वाली फोर्स की गोरखा जबरदस्त इंटीरियर के साथ सेफ्टी फीचर्स के द्वारा भी अपडेट करके भारत में लाई जा रही है, यानी इस कार को 2021 के अपडेट सेफ्टी फीचर्स के नाम के तहत डिजाइन किया गया है। इस कार को जबरदस्त प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित किया गया है, यानी इस कार में आप सभी को ट्विंग वॉट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है, जो कि इस कार को पूर्ण रूप से काफी अलग बनाती है। इस कार के प्लेटफॉर्म को रेंज रोवर के लिए भी डिजाइन किया गया था, जिसके चलते इस कार की बॉडी को 80% तक स्टेनलेस स्टील द्वारा अपडेट करके रीडिजाइन किया गया है। इस कार में आप सभी को पूरे 4 एयरबैग्स की सुविधा, साइड एयरबैग्स के साथ EBD के साथ ABS या पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक कैमरा, IFSO फिक्स्ड लॉकिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल से लेकर क्लाइमेट कंट्रोल जैसे अपडेट ढेरों फीचर्स को मुहैया करवाया गया है। यानी पूर्ण रूप से कहे तो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन गोरखा आप सभी के लिए छोटे पैकेज में भाड़ा धमाका होने वाली है, जो कि वाकई में ही महिंद्रा थार को कड़ी टक्कर देते हुए जिमनी को भी भारत में
टक्कर देने वाली है। सबसे खास बात तो यह है कि इस कार को भारत में 3 डोर तथा 5 डोर विकल्प ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जाएगा। डिपेंड आप पे करता है कि आप इस कार के कौन से वेरिएंट को अपने लिए खरीदना पसंद करते हैं। दोनों ही वेरिएंट के अंदर आप सभी को फीचर्स के अंतर देखने को मिलेंगे। जी हाँ, लॉन्चिंग तथा कीमत की बात करें तो मार्केट में था जिस चीज का इंतजार, यानी ये कब फाइनली आप सभी ग्राहकों के लिए लॉन्च होने वाली है। तो आप सभी को उम्मीदों पे खरे उतरते हुए तथा वेटिंग टाइम को खत्म करते हुए इस कार की लॉन्चिंग का पूर्ण रूप से खुलासा हो चुका है। यानी गोरखा अपने लिए भारतीय बाजार में जल्द से जल्द 28 सितंबर तक फाइनली रिवील की जा सकती है, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है। कीमत की बात करें तो मार्केट में इस कार को करीबन 8 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए के अंतर्गत एक शोरूम प्राइस के साथ मुहैया करवाया जाएगा। जी हाँ, अगर आप एक ऑफ रोडिंग के दीवाने हैं तथा आप सभी को एक जबरदस्त कार लेने का प्लान है जो मस्कुलर लुक के चलते काफी जबरदस्त डिजाइन के साथ आती है, तो आप सभी लिए गोरखा नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट काफी अच्छा विकल्प हो सकता है। वैसे तो मार्केट में महिंद्रा थार भी काफी धूम मचा रही है, जो कि वाकई में ही बिक्री के मामले में कड़ा आंकड़ा पार कर चुकी है। मगर इस गोरखा की नेक्स्ट जनरेशन विकल्प को लॉन्च होने के बाद क्या पता इस कार को एक कड़ी टक्कर मार्केट में दे पाए। साथ ही साथ भारत में एक और जबरदस्त कार निर्माता कंपनी यानी सुजुकी भी अपनी जिम्नी के 5 डोर वेरिएंट ऑप्शन को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। डिपेंड आपके ऊपर है कि आप कौन से ब्रांड की कार को लेना अपने लिए पसंद करते हैं। अगर आप इस कार को सबसे पहले रोगों से पहले बुक करने का प्लान बना चुके हैं, जी हाँ, कंपनी ने इस कार की जबरदस्त प्री बुकिंग भी आप सभी ग्राहकों के लिए स्टार्ट कर दी है। यानी कंपनी कह रही है कि हम किसी से पीछे क्यों रहे। जी हाँ, बुक करने के लिए सिंपली कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए, अपना नाम तथा सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेगी हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ कहीं नहीं बल्कि इसी चैनल पे। धन्यवाद। Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.